रिलायंस कम्युनिकेशन और इलॉन मस्क का क्या कनेक्शन है वो तो हम जानेंगे, लेकिन आपको दिख सकता है पिछले 6 महीने के अंदर इसने 80% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन वो तो खाली पेपर पर है, आपको इसके अंदर खाली नेगेटिविटी ही देखने मिल रही है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहली अपडेट आई है एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन RBI की तरफ से। सो RBI की तरफ से ये अपडेट आई है कि अभी RBI ने अपना पैनल खोल दिया है, एंड RBI के पैनल के ऊपर इन्होंने रिलीज किया 2 नवंबर को कि ARC अभी अलाउ हो चुके हैं अभी बैंक्रप्सी केसेस के अंदर बिड करने के लिए। तो दोस्तों बैंक्रप्सी का जब तक प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है तब तक कोई भी कंपनी बिड नहीं कर सकती थी पहले, बट RBI ने अभी वो सारी चीज़ें हटा दी है, एंड अभी एक नया एक रूल जारी किया है, रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अंदर अभी वो बैंक्रप्सी जो कगार पर कंपनी है उसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड वही चीज़ें ये हमें UBARC ये जो है विच इमर्ज एज द हाइस्ट बिडर, मतलब रिलायंस ने तो इन्हें ज्यादा बिड किया ही नहीं था, खाली 5,000 करोड़ इनके स्पेक्ट्रम को दिया था, लेकिन UBARC, तो UBARC हैज बिन द इमर्ज एज द हाइस्ट बिडर टू टेक ओवर एयरसेल एंड रिलायंस कम्युनिकेशन वो अलाउ नहीं हुआ था, और 20,000 करोड़ का एक्सपोजर एयरसेल को मिल रहा था और 14,000 करोड़ अपना ये आरकॉम को मिल रहा था, लेकिन नहीं हुआ था उसके एक्ट के तहत, बट अभी वो थोड़ा सा उसके अंदर अमेंड कर दिया गया है, एंड नाउ अभी वो अलाउ करेंगे। तो अभी बस देखना ये होगा कि UBARC अभी फिर से इंटरेस्टेड है क्या या फिर नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो रिलायंस इसको खरीद लेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको खरीद लेगी आरकॉम को, और वहीं पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छा खासा आपको देखने मिलेगा सारी चीज़ें, असेट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से देखने मिलेगा, सस्ते दाम में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की स्पेक्ट्रम इनको मिल जाएगी, एंड इनकी कनेक्शन स्पीड भी एयरटेल की जितनी टक्कर देने लायक हो जाएगी। तो अगर रिलायंस अगर कोई दूसरा बायर यानी UBARC आ जाता है और अच्छा खासा पैसा आरकॉम को लगाता है, लेकिन अगर हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस पर पैसा लगाकर इसको ले लिया, सो हमें हमारे रिलायंस जियो के अंदर तेज़ी देखने मिल सकती है, उनके जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसके अंदर इंक्रीमेंट और सेटिस्फैक्शन की अमाउंट भी बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, लेकिन उससे आरकॉम को क्या फ़ायदा होगा। अगर आरकॉम को ही अक्वायर कर लिया इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, सो आप देख सकते हो कितनी बड़ी तेजी आरकॉम के अंदर भी आ सकती है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय द शेयर, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ द एनालाइजिंग एनी शेयर। अगर आप एक और एक चीज़ देखो तो इलॉन मस्क से के साथ जो कंपेयर किया था ना, इलॉन मस्क आपको पता है स्टारलिंक के साथ इनको कोलैब करके इंडिया के अंदर आ रहे हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज के अंदर। दोस्तों अभी फिलहाल तो हमारे टेलीकॉम कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेक्टर के अंदर अपना कदम रख रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आकर ब्रॉडबैंड सेक्टर बहुत ज़्यादा सस्ता कर देते हैं तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक और एक चीज हमें देखते हुए देखने मिल रही है कि या ये यहाँ पर आकर सारी जो कंपनीज है उनके साथ टाई अप भी कर सकते हैं किसी एक कंपनी के साथ, यानी वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल या फिर जियो, कोई भी कंपनी के साथ टाई अप कर कर अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। एंड दोस्तों इतना बता दूं कि जहाँ पर इन्हें फायदा दिखेगा वो वहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये टाटा जैसे नहीं है जो हर एक जगह पर अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन कोई अच्छी नीड के अंदर है तो उनको हेल्प करेंगे, ऐसा यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा टेस्ला के साथ। सो दोस्तों ये दो बड़ी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए जो अभी आरकॉम के अंदर फिलहाल हाल फिलहाल के अंदर चल रही है। अगर कोई और बड़ी अपडेट आती है सो आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग इट विद यू ऑल, एंड अगर कुछ भी अपडेट आपको देखने मिलती है तो आप वो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो, सो दैट वी ऑल कैन एक्सेस दैट न्यूज़। एंड ऑलरेडी 300 पीपल आर देयर ज्वाइनिंग द चैनल, एंड वहाँ पर लोग एक्टिव भी है, एक दूसरे से बात तो करते ही हैं लेकिन जो भी न्यूज़ दिखती है वो सीधा पोस्ट कर देते हैं, एंड येस बींग एन एडमिन ऑफ द ग्रुप आई ऑलवेज पोस्ट देयर मेनी थिंग्स, सो आप वहाँ पर आकर अपना उसका बेनिफिट उठा सकते हो, वरना अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, डेली चैटिंग नहीं चाहिए, तो आप एक और एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर आपको सेपरेटली न्यूज़ देखने मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।